ओके और इन दिनों काफी विवाद चल रहा है तारक मेहता के प्रोड्यूसर के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? FIR किसने दर्ज किए? जेनिफर ने। मैं कौन हूँ? लेकिन बट यू आर द पार्ट ऑफ द शो थे आप, और शो के अंदर कई सारे जो आपने भी काफ़ी कहा है कि शो के अंदर काफ़ी लोगों को हैरास किया गया था, छुट्टी नहीं दी जाती थी, काफ़ी परेशान किया जाता था, आप एज अ आप क्या कहना चाहेंगे शो के लेके? नहीं, लेकिन अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोगों ने शुरू से यही बात कही है और मैं ये बात वापस से कहूँगी कि मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। जेनिफर को हम लोगों ने शुरू से सपोर्ट किया है, तो मैं वापस से वही बात कहूँगी कि जेनी इनडिसिप्लिन नहीं थी और वो बिल्कुल भी बदतमीज़ नहीं थी, ये मेरा और मालव का स्टैंड है इस बात पर। अदर देन दैट हमें इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन हमने देखा है कई सारे कंटेस्टेंट जो मतलब एक्टर्स थे कहीं ना कहीं छोड़कर जा रहे हैं, शैले सर भी थे, कहीं ना कहीं सब लोग ना खुश है जिस तरह से शो के जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कहीं ना तो नहीं नहीं और दूसरे भी थे वो काफ़ी कई तरह से रूड बिहेव कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे दूसरे डायरेक्टर का नहीं पता, इसका पता ये वाला कभी रूड नहीं था। ओके बाकी लोग क्यों छोड़ रहे हैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती। मैंने शो नहीं छोड़ा कभी भी। बार बार यही सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैंने शो छोड़ा है, तो मैंने शो कभी नहीं छोड़ा। हाँ, इसके शो छोड़ने के बाद मुझे बुलाना बंद कर दिया उन लोगों ने, क्यों का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे तो आपने भी कुछ कारणों की वजह से ही तो छोड़ा होगा सर शो। मैं यही बोलूँगा कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है तारक मेहता की बात करने का। मैंने शो दिसंबर में छोड़ा, 14 साल मैंने शो किया, बहुत इन्जॉय किया। अब मैं इन्जॉय नहीं कर रहा था तो मैंने शो छोड़ दिया, बट आई थिंक बहुत उसके बारे में बात की गई है, अभी भी शो लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। सो आई थिंक टू ईच इज ओन, जिसको जब तक काम करना है वहाँ पे काम करे, जिसको मज़ा नहीं आ रहा है वो लोग निकल रहे हैं। सो बहुत ही एक इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव चीज़ है, तो अभी इसके बारे में क्या ही बोले और ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।